हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रुद्रा चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ज्योति द्विवेदी आज मैं आप लोगों का अपने वीडियो में फिर से वेलकम करती हूँ। और मैंने काफ़ी टाइम बाद एक मेकअप लुक निकाला है, और ये जो मैंने लुक किया है ये बिगनर्स के लिए है। मैंने आप लोगों को प्रॉपर बताया है कि आप लोग किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं, और मैंने आज कुछ नया आई मेकअप लुक भी ट्राई किया है। और इस मेकअप को आप लोग किसी भी फंक्शन में, पार्टी में क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जो भी सीरम आप लोगों के पास अवेलेबल हो उसे अपने फेस पे इस तरीके से लगा लें, और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लें। फिर उसे 2 मिनट के लिए छोड़ दें जब तक वो आपकी स्किन में पूरी तरह से अब्जॉर्ब ना हो जाए। फिर हम लोगों को लगाना है लिप बाम। लिप बाम लगा लें जिससे कि हमारे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे। और फिर आता है सेकेंड स्टेप, हम लोगों को अपने फेस पर अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करनी, इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना। उसके बाद आप लोगों को लगाना है प्राइमर। प्राइमर आप लोग उस जगह ज़्यादा फोकस करें जहाँ पे आप लोगों के ओपन पोर्स हैं, इसे भी अच्छे से लगा लें और 2 मिनट के लिए छोड़ दें। और अगर आपके डार्क सर्किल या डार्क एरिया ज़्यादा है तो आप लोग इस तरीके से ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करें। और अगर आपके मेरी तरीके डार्क सर्किल हैं तो आप लोग उसमें येलो कलर का कलर करेक्टर मिक्स कर दें, जिससे कि आपके जो डार्क सर्किल हैं वो अच्छे से हाइड हो जाएंगे। तो मैंने येलो कलर का कलर करेक्टर मिक्स किया है और इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग अपनी फिंगर का या वेट ब्यूटी ब्लेंडर का ही यूज़ करें, ब्रश का यूज़ ना करें। और मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करने जा रही हूँ। बिगनर्स हमेशा पाउडर से ही अपनी आईब्रोज़ को फिल करें तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर हम लोग पेंसिल से या कोई भी आईलाइनर से या किसी भी लिक्विड जेल से अगर हम लोग अपनी आईब्रोज़ को फिल करते हैं तो वो अगर कहीं एक्स्ट्रा लाइन लग जाती तो उसे फिर साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा पाउडर से ही फिल करें। और इसके बाद मैंने एक ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया है, और जो भी हार्श एजेस होंगे उसको मैं साफ़ करने के लिए इस कंसीलर का यूज़ करूँगी। इस ब्रश की हेल्प से आप लोगों को इस तरीके से पहले इसे लगाना है, जो कंसीलर में ब्रश दिया होता है आप लोग उसी से ही यूज़ कर लें। तो मैंने अपनी आईब्रोज़ के नीचे और ऊपर अच्छे से इसे लगा लिया, और इस ये मैंने छोटा सा जो ब्लेंडर लिया है इसे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जिससे भी जो भी एजेस हैं वो अच्छे से हट जाएं। तो ये देखिए मैंने लगा लिया। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन लगाने की। फाउंडेशन आप लोग हमेशा अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लें और अपने पूरे फेस पर इसे डॉट डॉट करके इस तरीके से लगा लें, और फिर आप लोग इसे ब्लेंड करें ब्यूटी ब्लेंडर से या अपनी फिंगर की हेल्प से। मैं अपने फेस के एक हिस्से में ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी और एक हिस्से में आप लोगों को अपने हैंड के हेल्प से ब्लेंड करके दिखाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं सेम तरीके से ये ब्लेंड होता है, इसलिए आप लोग फिंगर से करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे कर लिया है ब्लेंड, और इसके बाद मैं अपने फेस की कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोग पाउडर कॉन्टूरिंग ही करें, क्रीम कॉन्टूरिंग ना करें, और ज़्यादा हार्ड्स कॉन्टूरिंग करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जल्दी ये अच्छे से होता नहीं है इस वजह से। तो मैंने अपने जहाँ जहाँ मुझे अपना फेस कॉन्टूर करना है मैंने अच्छे से कॉन्टूर कर लिया है। मैं अपनी नोज़ पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप लोगों की नोज़ जो मतलब मेरी तरीके ज़्यादा मोटी है तो आप लोग हमेशा नोज़ की इधर कॉर्नर पर ज़रूर लगाएं और उसे एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। आप लोग इसे ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को कुछ ब्लेंड करना है जिससे कि आपका डायमेंशनल फेस लगेगा और आपकी जो नोज़ है वो भी पतली लगेगी। अब मैं जो मैंने कॉन्टूरिंग करी है उसके ऊपर नीचे मैं इस तरीके से कंसीलर लगा रही हूँ जिससे कि मेरी कॉन्टूरिंग काफ़ी अच्छी लगी और जो भी हार्श एजेस हों वो हट जाए। इस वजह से मैंने कंसीलर लगा लिया है अपनी ब्रिज ऑफ द नोज़, फोर हेड, जो जो मेरा हाईलाइटिंग एरिया है वहाँ मैंने अच्छे से कंसीलर लगा लिया। और आप लोग जब भी आइज़ के नीचे यूज़ करें तो आप लोग हमेशा ट्रायंगल शेप में ही कंसीलर को यूज़ करें और फिर उसे अच्छे से कर दें ब्लेंड, जिससे कि आपके फेस का शेप अच्छा रहेगा। तो मैंने इसे इस तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर रही हूँ ब्लू हेवन के लूज़ पाउडर से। आप लोग कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने अपने मेकअप को कर लिया सेट। इसके बाद मैं जो करूँगी सेटिंग स्प्रे डालूँगी। आप लोग सेटिंग स्प्रे भी लगा सकते हैं जिससे हमारा मेकअप एज़ यूज़ुअल बना रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है मेकअप, इसलिए हम लोगों को सेटिंग स्प्रे का यूज़ करना होता है। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैप डैप कर दें। और इसके बाद मैं आई मेकअप करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले फेस मेकअप कर लिया है इस वजह से मैं अपनी अंडर आई थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगा लूँगी जिससे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे फेस पर गिरे वो आराम से निकल जाए। और आप लोग जब कभी भी आई मेकअप करने जाएँ तो हमेशा आप लोग
थोड़ा ही प्रोडक्ट लें और अपने आउटर कॉर्नर से ही उसे ब्लेंड करना चालू करें। तो मैंने इसे पहले आउटर कॉर्नर पे लगाया, फिर अपनी क्रीज लाइन पे बिल्डअप किया और इसे अच्छे से कर लिया ब्लेंड। और आज मैं कट क्रीज आई मेकअप कर रही हूँ, तो मैंने एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से कंसीलर लिया और उसे अपनी कट क्रीज बना ली और उस पर मैंने गोल्डन शेड लगाया है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग सिंपल आई मेकअप कर लें। कोई भी न्यू शेड या आपकी जो भी ड्रेस का कलर हो, आप लोग सिर्फ उसे यूज़ करके अपना आई मेकअप फिनिश कर सकते हो। मैंने ये फिर ग्लिटर लिया था, इसे भी अपनी आईज़ पे लगा लिया। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आईलाइनर लगाने में। तो आईलाइनर लगाने के लिए आप लोगों को अपने हैंड को एक जगह स्टेबल कर लेना है, उसके बाद आप लोग आईलाइनर लगाएं। बिल्कुल धीमे धीमे हल्के हाथों से ड्रॉ करें, क्योंकि अगर मतलब हम लोग बिगनर्स होते हैं तो आईलाइनर अच्छे से नहीं लगता है, इस वजह से आप लोग इस तरीके से आईलाइनर लगाएं। और जब आप लोग मस्कारा लगाने जाएं तो सेम चीज़ आप लोग को मस्कारा लगाने में करनी है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अपनी आईज़ को कर्ल करें, जैसा मैं आप लोग को जूम करके दिखा दे रही हूँ। अगर हम लोग ज़्यादा जल्दी करेंगे या अगर अपने हाथ को ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे तो हमारी स्किन पे लग जाएगा, तो इसलिए हमेशा मस्कारा लगाते टाइम याद रखें। अब मैं लगा रही हूँ वाइट काजल, थोड़ा सा आईज़ को बोल्ड लुक देने के लिए। तो मैंने काजल को कुछ इस तरीके से पकड़ा है और अपनी अंडरलाइन में अच्छे से इसको कर दूंगी फिल। आप लोग हमेशा काजल लगाएं तो इस तरीके से ही लगाएं, जिससे कि वो अच्छे से लग जाएगा। और जो मैंने आई मेकअप ऊपर किया है, सेम मैं नीचे भी कलर को बिल्डअप करूंगी। तो वाटर लाइन के नीचे मैंने सेम कलर लगा लिया है। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, ब्लशर नहीं है, तो अपनी आप लोग आई शेडो पैलेट से भी ब्लशर का कलर जो आपको पसंद हो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, पीस कलर, ऑरेंज कलर या पिंक कलर। तो मैंने ये इस तरीके से दो शेड मिक्स करके अपने ब्लशर लगा लिया। मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा पिगमेंटेड हाइलाइटर है। हाइलाइटर हम लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हाइलाइटर जो होता है उसकी वजह से हमारा मेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग हाइलाइटर ज़रूर लगाएं। एरिया होता है ब्रिज ऑफ द नोज, आईज़ के इनर कॉर्नर पे, आईब्रोज के नीचे, फोरहेड और चीक्स बोन पे अच्छे से हाइलाइटर लगा लें। और इसे भी मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अब बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। तो लिपस्टिक लगाने के लिए आप जब भी लिपस्टिक लगाएं तो पहले अपने लिप्स को अच्छे से सेव दें, फिर फिल करें। अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही लिपस्टिक लगा लेते हैं तो हमारे लिप्स का कोई शेप नहीं समझ में आता है, इसलिए आप हमेशा लिप्स को शेप दें फिर लगाएं। और हमारा आई मेकअप लुक एकदम साफ़ सुथरा दिखे, अच्छा दिखे, इस वजह से मैंने जो आईज़ के कॉर्नर पर ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया और उसे भी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। और ये है मेरा फाइनल लुक। लगा आज का मेरा ये लुक? अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैंने अपने और भी वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो प्लीज एक बार चेक जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।